हाँ जी देखो जी, पहली चीज, कल मैं इनके बयान सुन रहा था, सारे कांग्रेस, चन्नी साहब के, सिद्धू साहब के, और भी कांग्रेसी सारे जने क्या कह रहे थे, पंजाब का खजाना खाली हो गया, पंजाब का खजाना खाली हो गया। पंजाब किसने करा भाई पंजाब का खजाना खाली? 5 साल तो तुम्हारी सरकार थी, तुमने करा क्या? लूट लिया तुम लोगों ने? किसने करा पंजाब का खजाना खाली? जवाब देना चाहिए इनको। 5 साल के बाद जब दूसरा चुनाव आ रहा है, कह रहे पंजाब का खजाना खाली हो गया। तुमसे पहले 10 साल अकाली वाले थे, 5 साल तुम, 15 साल में तुम लोगों ने मिलकर लूट लिया पंजाब को, अब कह रहे हो पंजाब का खजाना खाली हो गया। एक मिनट, हमारी सरकार बनेगी, सबसे पहले इसकी जांच करवाएंगे कि पंजाब का खजाना खाली किसने करा, इसकी जांच कराएंगे। दूसरी चीज, जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, उसके पहले 15 साल कांग्रेस की सरकार थी, वो भी दिल्ली का खजाना खाली करके गए थे। उस टाइम भी शीला दीक्षित जी कहते थे दिल्ली का खजाना खाली, दिल्ली का खजाना खाली। केजरीवाल को खजाना भरना भी आता है, जांच भी करनी आती है। तो जो जो लोग कह रहे हैं खजाना खाली हो गया, उनसे सरकार नहीं चलती, इस्तीफा दे दें, हम सरकार चला के दिखा देंगे, खजाना भर के भी दिखा देंगे। चन्नी साहब को मैं टीवी में देखता हूं, उनके खब्बे पास से रेता माफिया बैठा होता है और सज्जे पास से ट्रांसपोर्ट माफिया बैठा होता है, सारा खजाना तो वहीं से निकल आएगा। उनकी कैबिनेट को संभालने, वो उनका सारा खजाना भर जाएगा अगर वो अपनी कैबिनेट संभाले तो।